अभी सवाल ये उठता है कि कॉटन एज एन इकोनॉमी हम जानते हैं इतना सब कुछ दे सकता है, और अभी हमने जो सीन देखा वो आगे एक्शन का है, वी कांट सिट बैक एंड रिलैक्स. तो व्हाट्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, ऐसा कुछ नया हो रहा है जो हमें जानना चाहिए, व्हाट वी शुड नो. तो आई इनवाइट श्री विनीत जी मोहता, इट इज हियर. या विनीत जी, आपके लिए क्वेश्चन है. ऑल स्पीकर्स यू हैव 3 मिनट्स फ्लैट, तो बजर बजे, तो प्लीज एंड योर कन्वर्सेशन. आई एम सो सॉरी, क्योंकि कितने सारे जिनको बोलना है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर फाइबर्स, कॉटन स्टिल रिमेन द मोस्ट नेचुरल सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली रिन्यूएबल रिसोर्स एंड एन एसेट फॉर इंडिया. What can be done to enhance the derived demand for cotton and its byproducts to benefit the entire supply chain? You have been, Prashant ji was here last year. He had demonstrated the product that you have. और वहाँ से आप एक से आगे, मतलब कॉटन कॉन्क्लेव 2018 में आने के बाद आप इसको एक से आगे ले गए हैं. तो ऐसा क्या नया किया है Gimatex ने? Please share with us. See, Gimatex is an integrated textile player. And we thought we are located in the center of India in the Vidarbh region, जहाँ बहुत cotton availability था. और seed cotton में जो economics है कि seeds भी जो एक उसका by product है, तो उसका consumption के लिए we started scientific processing of seed, जो कि normal oil mills में जो yield आती थी कि जो cotton का जो सरकी जो बोलते हैं उसकी जो 13% की oil की yield आती है, scientific processing करने से 18% तक की yield आती है. और जो प्रोटीन सोयाबीन से जो नॉर्मली 50% मिलता था, सब लोग समझते थे कि कॉटन सीड से 37 से 45% तक की रेंज में प्रोटीन मिल सकता है. सो वी हैव स्टार्टेड ए न्यू प्लांट विच इज गिविंग अप टू 55% प्रोटीन इन कॉटन सीड. सो यस, एंड वी आर एक्सपोर्टिंग दैट ऑल्सो टू वेरियस कंट्रीज. बट अभी भी काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज में रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो द गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क आउट कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है जो भी इंपोर्टिंग कंट्री में, वो थोड़े से हट पाए. एंड कॉटन की इकोनॉमिक्स ऐसी है कि कॉटन इज़ ए ट्रांसपोर्ट हैवी प्रोडक्ट, यानी बहुत ही लाइट वेट है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो फार्मर्स का रियलाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए जितना लोकल वैल्यू एडिशन होगा, लोकल कंजम्पशन होगा, उसका एडवांटेज फार्मर्स को मिलेगा. तो वो हमने इंश्योर करना है कि कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है वो लोकली कंज्यूम हो जाए, लोकल वैल्यू एडिशन हो जाए, ताकि अल्टीमेटली नेट आउट इनफ्लो टू फार्मर्स इज इंक्रीज्ड एंड टू द इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्रीज. जैसे कॉटन सीड ऑयल का अगर प्रोडक्शन एक एरिया में हो रहा है, बट कंजम्पशन बहुत सारे एरिया में नहीं है कॉटन सीड ऑयल का. हमने बहुत एक पेपर भी बनाया है जिसमें कॉटन सीड ऑयल के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं कंपेयर टू अदर ऑयल्स, बिकॉज इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ ऑयल. तो अगर लोकल प्रोडक्शन बढ़ता है ऑयल्स का, तो इंपोर्ट भी सब्स्टिट्यूट होता है. तो दिस विल हेल्प द ओवरऑल कंट्री एज ए होल, सेव सो मच वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर इट. अल्टीमेटली कोई भी वैल्यू एडिशन होगा तो इसका नेट इंपैक्ट कंट्री का होगा, चाहे फार्मर का हो, चाहे इंडस्ट्रीज का, एंड ओवर टाइम जो भी वैल्यू चेन में पार्टनर्स है उनका होता ही है. दिस इज आवर एक्सपीरियंस. थैंक यू विनीत जी. सी द थॉट, इतनी यंग एज में ये समझ चुके हैं कि कॉटन इतना इकोनॉमिकली गिविंग क्रॉप है, देने वाला क्रॉप है, ये लेना बैंक नहीं है, देना बैंक है. तो क्या हम इनफ ले पाए हैं? एंड दिस टू ब्रदर्स प्रशांत जी, विनीत जी ने और इनकी फैमिली ने अपने ट्रेडिशनल माइंडसेट से निकल कर, हम जहाँ हैं वहाँ रहना, चल पड़ी गाड़ी चल रही है तो खुश है, दिस चेंज द ट्रैक, रिमेनिंग इन द सेम फील्ड और वैल्यू एडिशन की तरफ हो गए. So we thank you for sharing your views and being here. I have got some products also and the brochure also mentioning the benefits. If somebody wants to see that, surely. We request all of you after the program is over, you can please be in touch with Vinny ji. He'll be there for some time. आप उनके products देखिए, last time भी प्रशांत जी लेके आए थे. Biotech plant शुरू करना है, textile mill के लिए common बात नहीं. So thanks for.